मोदी सरकार ने बेच दी एक और सरकारी कंपनी। मोदी सरकार ने लगाई सरकारी कंपनियों की सेल। मैं देश नहीं बिकने दूंगा, ये नारा देने वाले नरेंद्र मोदी की सरकार एक एक कर सारी सरकारी कंपनियों की नीलामी कर रही है। निजीकरण के खिलाफ विरोध के बावजूद सरकार ने एक और बड़ी कंपनी को निजी हाथों में सौंप दिया है। सबका नंबर आएगा वाली तर्ज पर एक एक कर बड़ी सरकारी कंपनियों को प्राइवेट हाथों में बेचा जा रहा है। ताजा खबर ये है कि अब मोदी सरकार ने ओडिशा की NINL यानी नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड को भी बेच दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टाटा ग्रुप ने NINL को खरीद लिया है। सरकार इसे टाटा ग्रुप को सौंपने की तैयारी कर रही है। जुलाई में इस काम को भी निपटा लिया जाएगा। जो कागजी कार्रवाई है उसे पूरा करके ये देश की बड़ी सरकारी कंपनी अब टाटा की हो जाएगी। टाटा स्टील की यूनिट टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स यानी TSLP ने इस साल जनवरी में 12,100 करोड़ रुपए के उद्यम मूल्य पर NINL में 93.71% हिस्सेदारी हासिल करने की बोली जीती थी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक ये कंपनी घाटे में चल रही थी और ये प्लांट 30 मार्च 2020 से बंद है। कंपनी पर 31 मार्च 2021 तक 6,600 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज और देनदारियां हैं। इसमें प्रोमोटर्स का 4,116 करोड़ रुपए, बैंकों का 1,741 करोड़ रुपए और अन्य लेनदारों और कर्मचारियों का बकाया शामिल है। लेकिन यहां सवाल उठता है कि आखिर जो कंपनियां इतने घाटे में चल रही हैं, उन्हें खरीदने के लिए पूंजीपतियों में होड़ क्यों लगी हुई है? भला घाटे का सौदा क्यों किया जा रहा है? अगर कंपनी घाटे में है तो कॉरपोरेट उन्हें खरीद क्यों रहे हैं? और अगर कंपनी मुनाफा कमा सकती है तो सरकार उन्हें बेच क्यों रही है? ये वो सवाल हैं जिनका जवाब हर भारतीय को पता होना चाहिए। जो कंपनी सरकार के पास होती है तो घाटे में चलती है, लेकिन ऐसा क्या हो जाता है कि पूंजीपति उसी कंपनी को प्रॉफिट में ले आते हैं? अगर प्राइवेट लोग ऐसा कर सकते हैं तो फिर सरकार ऐसा क्यों नहीं कर रही? क्या जानबूझकर देश की बड़ी कंपनियों को लगातार घाटे में दिखाकर उन्हें बंद करके पूंजीपतियों को बेचने की साजिश हो रही है? जो भी सरकारी कंपनी होती है वहां आरक्षण भी लागू होता है। वंचित तबके के लोगों को सरकारी नौकरियां मिलती हैं, उन्हें कई तरह की सुविधाएं भी मिलती हैं, लेकिन प्राइवेटाइजेशन के बाद ना ही उन्हें आरक्षण मिलता है और ना ही कुछ सुख सुविधाएं। जिस रफ्तार से मोदी सरकार देश की संपत्तियां बेच रही है उससे तो यही लगता है कि आने वाले दिनों में देश में एक भी सरकारी संपत्ति नहीं बचेगी। इस बारे में आपका क्या सोचना है कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ वीक।